न्यू सिटी पैराडाइज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपके लिए कौन से प्रोडक्ट्स जो है फिजिबल है रेजिडेंशियल प्रोडक्ट्स या फिर कमर्शियल प्रोडक्ट्स क्योंकि इन दोनों में कंपैरिजन बहुत डिफरेंट होता है कि रेजिडेंशियल को आप देख रहे हैं तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कमर्शियल को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि न्यू सिटी पैराडाइज को एन मिलने की जो मेन रीजन थी वो रीजन क्या थी वो भी इस वीडियो में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट होती क्या है इसमें हम वीडियो में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे कि आपने अगर वहाँ पर रहना है आपके लिए कितनी फिजिबिलिटी है इस्लाबाद से कितना दूर है इस्लाम से कितना नजदीक है सो फॉर एंड सोन किसी चीज़ का ताल्लुक आपकी रहाइश से नहीं होगा हम सिर्फ ये देखेंगे कि आपने कितने पैसे लगाए और आपको कितने पैसों पर कितना रिटर्न मिला और कितने टाइम में मिला फॉर इंस्टेंस आपने प्लॉट खरीदा रेजिडेंशियल अठारह लाख पचास हजार रुपए का आप उसको दो साल तीन साल चार साल बाद बेचते हैं तो कितने का बिकता है बिकता है चालीस लाख रुपए का चालीस लाख का प्लॉट था अठारह पचास का आपने खरीदा तो आपको इसमें से जो प्रॉफिट हुआ दैट इज 21.5 लाख रुपीस। अगर चार साल के ड्यूरेशन में देखें तो डिवाइड बाय फोर कर लें तो आपको जो पर एन रिटर्न मिला दैट इज अराउंड 5 लाख रुपीस और 5 लाख 5 लाख ट्वेंटी फाइव थाफ्टी थाउजेंड इतना रिटर्न आपको जो मिला है इसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट के अमाउंट के साथ तो आपका जो पर एन रिटर्न है वो बन जाता है तो उस लिहाज से हम स्टूडियो में डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट एक तरीका तो ये होता है कि आपके पास जो पैसे हैं आप जाके बैंक में रखवाएं अपने पैसों को डिवेल्यू करें और उन पैसों के ऊपर आपको इंटरेस्ट एक मिलता रहेगा वो इन्वेस्टमेंट ही लोग कहते हैं उसको लेकिन उस इन्वेस्टमेंट का को कोई पोर्टफोलियो नहीं होता तो उसमें आपको को रिटर्न जो मिलते हैं वो वर्थ नहीं करते इस वीडियो में जी आपको रेजिडेंशियल इन्वेंट्री ज्यादा फीजि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कमर्शियल इन्वेंट्री ज़्यादा फीजिबल है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए रेजिडेंशियल इन्वेंट्री जो ऑफर की जा रही है ना अब वो बहुत ही चीप रेट्स हैं यानी कि अठारह लाख पचास हजार रुपये का पांचवला का प्लॉट है तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो आपका ये पांचवाला का प्लॉट पच्चीस पचास है पच्चीस पैंतालीस नहीं है और डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड है यानी कि इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी पेबल नहीं है तो तीन लाख साठ तीन लाख सत्तर हज़ार पर मरला के हिसाब से आपको एक प्रोडक्ट मिल रहा है और आप उसको प्रोडक्ट का जो टाइम फ्रेम मिल रहा है तकरीबन साढ़े तीन साल का टाइम फ्रेम मिल रहा है आपको उसकी इंस्टॉलमेंट पे करने का तो एक अच्छा टाइम फ्रेम बनता है इन द लॉन्ग रन लेकिन उसको अगर अर्ड से कंसिडर करें इन्वेस्टमेंट पॉइंट से तो फिजिबिलिटी कितनी अच्छी बनती है अब इसको मैं पहले पॉइंट को रेजिडेंशियल को रिलेट करूंगा इसके एन के साथ अब न्यू सिटी पैराडाइज का जो एन है वो है फाटा से यानी कि आपको पंजाब हाउसिंग अथॉरिटी से जब एन ओ सी मिलता है तो आपने कुछ फाटा की शरात होती हैं जिन पे अमल दरामद करना होता है जिसमें पहली शर्त ये होती है कि आप साइट पे एन के रकबे के लिहाज से एक स्पेसिफिक और नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के तहत इसको एक स्कीम लॉन्च की गई थी अब एनओसी के साथ ये मैंडेटरी है कि आपने साइट पे विलाज कंस्ट्रक्ट करने अगर आप फाटा से एनओसी लेते हैं तो अब न्यूजी पैराडाइज का जो एनओसी है वो फाटा से है और साइट पे NOC की सी की लिहाज से आपको ऑलमोस्ट 1800 से 2000 हजार साइट पे कंस्ट्रक्ट करने हैं बाय द मैनेजमेंट ऑफ न्यू सिटी पैराडाइज अब न्यू सिटी पैराडाइज जब 2000 के आसपास विलास कंस्ट्रक्ट करेगी लो इनकम वाले विलास तो जाहिर सी बात है कि साइट पे आपको एंड यूजर नहीं भी आता अगर यानी कि जिस बंदे ने वो बिलास खरीदा लादमी तो नहीं वो यूके में रहता है या कराची में रहता है या कहीं और रहता है आउट ऑफ सिटी रहते हैं खुद तो नहीं आएगा वो वहां पे किसी को रेंट आउट करेगा कम रेंट पे ही करेगा लेकिन रेंट आउट करेगा लेकिन वहां पे साइड पे आपको मूवमेंट नजर आएगी तो रेजिडेंशियल प्लॉट्स की जो आपकी प्राइसेस हैं वो अप्रिशिएट करेंगी सब्जेक्ट टू तो का साइड पर जैसे ही आपकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ न्यू सिटी पैराडाइज तो आपको उसमें रिटर्न मिलेगा अब आते हैं कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से कमर्शियल इज ऑल अबाउट लोकेशन कमर्शियल में कोई दूसरा पॉइंट नहीं होता कि कमर्शियल की क्या आपको फिजिबिलिटी है कितने फ्लोर्स हैं सो फर एंड ऑन नथिंग कमर्शियल आपकी लोकेशन है न्यू सिटी पैराडाइज की बुरहान इंटरचेंज पे और सामने आपके ग्रैंड ट्रंक रोड है लेफ्ट साइड पे आपके कह लें कि आप वेस्ट साइड पे कह लें तो वेस्ट साइड पे आपको मिलता है आपका सी पैक का रूट तो आपको सी पैक रूट मिल रहा है मोटरवे मिल रही है और साथ आपको मिल रहा है ग्रैंड ट्रंक रोड जिटी रोड तो उस लिहाज से आपको कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट पे बहुत अच्छे रिटर्न होने के ऑफर आने के चांसेज हैं क्योंकि पांच से छह शहरों की आबादी जो है वो डायरेक्टली कनेक्टिविटी लेती है फ्रॉम दिस पॉइंट क्योंकि पिशा की आबादी ने लड़के से जिंदगी में इस्लाबाद की शक्ल देखनी है तो उनको यहां से गुजरना पड़ेगा अगर हम नौशहरा की बात करें मनसेरा की बात करें एबटाबाद की, की, की करें उसके बाद हसन की बात कर लें अटक की कर लें हिजरो की कर लें उसके अलावा कामरा की बात कर लें इन सारे शहरों के जो पॉपुलेशन है अगर मैं नंबर्स में काउंट करूं तो ऑलमोस्ट तकरीबन 80 से 90 लाख लोग हैं जो इन शहरों में आबाद हैं जब उन्होंने मूव करना है फ्रॉम दिस पॉइंट टू इस्लामाबाद तो उन्होंने यहाँ से गुजर के जाना है तो कमर्शियल प्लॉट जो होता है वो मोटरवे से ज्यादा सी बात है जब बिल्डिंग बनेगी फॉर एग्जाम्पल सात महे का प्लॉट है तो ग्राउंड प्लस फाइव की परमिशन होगी या ग्राउंड प्लस सिक्स की तो तकरीबन आपको मोटरवे पे जब छः सात फ्लोर आठ फोर नज़र आते हैं तो डेफिनेटली अपील जो होती है इन्वेस्टर की वो उसमें ज़्यादा होती है तो कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट जो होती है इसलिए वो लोकेशन बेस्ड होती है और उस पर रिटर्न भी लोकेशन बेस्ड ही आते हैं तो अब अगर हम शॉट लिस्ट करें कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू सिटी पैराडाइज कैसा है अगर तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को छह महीने चार महीने आठ महीने के पॉइंट से देखें तो आप बिल्कुल न्यू सिटी पैराडाइज को कंसिडर भी मत करें क्योंकि आपके ऑप्शन से ये बिल्कुल नहीं आता क्योंकि प्रॉपर्टी में मैं अक्सर बात करता हूं शॉर्ट टर्म मीन्स के डेढ़ से दो साल मीडियम टर्म मीन्स के ढाई साल से लेके तीन साल और तीन साल या चार साल कर लें लॉन्ग टर्म मीन्स के फाइव ईयर्स एंड प्लस तो आप अगर शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं तो कंसिडर ना करें मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म में कंसिडर करें क्योंकि इस प्रोजेक्ट में जाहिर सी बात है कि आबादी आने में प्रॉपरली जमीन पे प्रॉपरली शेप लेने में अभी तक तो डेवलपमेंट एक सौ बीस दिनों की बहुत तेज है साइड पे आपको ब्राउनिंग बेतहाशा नजर आती है लेकिन एक्चुअल फैक्ट्स में जमीन पे आके जब आपकी इन्वेस्टमेंट रोटेट होती है तब प्रॉफिट बनते हैं कि यानी कि मार्केट में रीसेल के खरीदार ज्यादा हों और फ्रेश इन्वेंट्री के खरीदार जो हैं कम हों या ज्यादा हों तो आपको उस लिहाज से इन्वेंट्री में आपके रिटर्न्स मिलने के चांसेस होते हैं तो न्यू सिटी पैराडाइज जो है फोर्थ ऑफ मार्च 2023 को अपनी रेजिडेंशियल प्लॉट्स की तमाम की बुकिंग जो है क्लोज करने जा रहा है रेट्स में तकरीबन 20 परसेंट का इजाफा करने जा रहा है तो उसके बाद मार्केट में यहां 20 परसेंट से इजाफे से उड़ा है कि आपको पुराने रेट पे फाइल नहीं मिलेगी जिस इंडिविजुअल का पुराने रेट पे 20 परसेंट बुकिंग प्लस कंफर्मेशन जमा हो गया बाय फोर्थ ऑफ मार्च 2023 उसको पुराने रेट की फाइल बन के मिलेगी अदरवाइज आपको फाइल न्यू रेट की बनकर मिलेगी तो आपको इस चीज़ में परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको डेफिनेटली जब मार्केट में पुराने रेट खत्म हो जाएगा नया रेट स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें रीसेल स्टार्ट हो जाएगी बट उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम होंगे बीस हज़ार पच्चीस हजार तीस हजार पचास हजार या एक लाख लेकिन एक्चुअल नंबर जो मार्केट में बनेंगे वो बनेंगे आफ्टर द पोजेशन ऑफ रेजिडेंशियल इंट्री एंड द पोजेशन ऑफ कमर्शियल इंट्री तो इसमें बहुत अच्छे रिटर्न इन्वेस्टमेंट बनेंगे मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म नॉट शॉर्ट टर्म तो उस पॉइंट से देखें तो उसको करें एक अच्छा ऑप्शन बनता है बिकॉज ऑफ लोकेशन बिकॉज ऑफ लीगल स्टेटस एंड बिकॉज ऑफ डेवलपर्स पास एंड इसकी प्राइसेस की वजह से एक बहुत ही फीजबल ऑप्शन है सो व्यसर दिस वॉज इट फ्रॉम डे अगर आपको न्यू सिटी पैराडाइज में बुकिंग वाले कुछ मालूम चाहिए तो ये नंबर पर करें इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें डब्ल्यू 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 डॉट मकान सोलूशन डॉट कॉम अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़